बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना आसिफ, आज मैं आपको आलू चाट या आलू टिक्की चाट बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे, इन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 2 टीस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 चम्मच हमने टीस्पून जो है वो हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून भर के हमने भुना कुटा ज़ीरा लिया है, 1 लेमन जूस लिया है हमने, 1 लेमन का जूस लिया है, और कुछ हरा धनिया लिया है, चॉप कर लिया है इसे हमने, और 1 टीस्पून हमने भर के कुटी हुई मिर्चें ली हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, नमक, कुटी हुई मिर्चें, कॉर्नफ्लोर, हरा धनिया थोड़ा सा हम रोकेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, बाकी हम इसी में डाल देंगे। हल्दी ली है हमने कलर के लिए, लेमन जूस लिया है, 1 टीस्पून भर के हमने कुटा भुना ज़ीरा लिया है, कुछ हमें हरी मिर्चें चाहिए वो भी हमने चॉप कर ली हैं, थोड़ी सी मिर्चें डालेंगे हम, हरी मिर्चें चॉप, और 1 बड़ी हमने प्याज ली थी इसे भी हमने चॉप कर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे, तकरीबन आधी इसे डाल देंगे, थोड़ी सी रोकेंगे ऊपर से डालने के लिए। ये आलू की टिक्की बनाने के लिए हमने अपना तैयार करा है मिक्सचर, और इसकी दही के लिए जो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। हमने तकरीबन 300 ग्राम हमने दही लिया था, और उसमें 1/2 कप हमने इसमें दूध डाल दिया, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, और 1 चम्मच हमने इसमें चीनी की डाली है, और तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। कुछ हमने सेव लिए हैं, ये भी हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए दही के ऊपर, और कुछ हमने ली है पापड़ी, ये भी ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए। ये सब चीज़ें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए, प्याज, हरी मिर्च, दही, सेव और पापड़ी। अब पहले हम आलू की टिक्की तैयार कर लेते हैं, इसे हम मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, और इसकी हम टिक्कियाँ बनाते हैं। अभी हमने अच्छी तरीके से मसाला इसमें मिक्स कर लिया है, अब हम ऑयल हाथ पे लगा के और इसकी छोटी छोटी पतली पतली अब टिक्कियाँ बनाएंगे। ऑयल हाथ पे लगा के फिर बनाएं ताकि जो है ना आराम से बने। इसी तरीके से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। अभी हमने आलू की टिक्की तैयार कर ली है, वो इन्हें हम शलो फ्राई करेंगे। अब आइए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं पहले। अब हमने इन्हें शलो फ्राई करना है, मगर इतना कम ऑयल रखना है कि ये कम ऑयल में जो है क्रिस्प। अब हम एक एक करके इसमें अपने आलू की टिक्की जो है वो फ्राई करेंगे, हल्की हल्की आंच पे करिएगा ताकि ये देर तक क्रिस्पी रहे, और कम ऑयल में करिएगा। अभी हमने सब रख दिए और इन्हें हल्के हल्के ऑयल में जो है फ्राई करना है, और इन्हें गोल्डन करके निकालना है बस। अब ये हमारे अच्छी तरीके से गोल्डन हो गए, अब हम इनको सबको निकाल लेंगे। ऑयल देखें कितना कम है, अब ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तकरीबन हम 2 से 3 चम्मच भर के डालेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे सबको, चूल्हे को ऑफ कर देंगे, टिश्यू पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जब्स हो जाए। अब हम अपनी चाट को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। दही नीचे डालने का मकसद ये होता है जब हम इसमें अपने दही बड़े या ये आलू की टिक्की रखेंगे तो ये आराम से उठेंगे और नीचे से भी जो है ये खुशक नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर ये आलू रखेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। हमने जो दही नीचे डाली है आलू के टिक्की के नीचे, वो भी इसीलिए डाली है कि ताकि हमारे कबाब जूसी रहें, खुशक ना हो।
अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। थोड़े से हम ये मुरमुरे डालेंगे। सेव सेव डालेंगे थोड़े से हम इसमें। चाट मसाला डालेंगे। इन चीज़ों की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आपको अच्छा लगता है, जितना आप पसंद करते हैं स्पाइस, उतनी आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम कुटी हुई मिर्ची डालेंगे, ये हम सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। और इसके ऊपर हम ये पापड़ डालेंगे। आज की आलू की चाट हमारी तैयार है। इसे अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं और अपना रिव्यूज़ जो है मुझसे शेयर करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।